हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक्स विल। कैसे हो आप लोग? और होप अच्छा कर रहे होगे और अपने लाइफ में जो भी जो कर रहा है अच्छे से कर रहा होगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने कई कमेंट्स पढ़े और कुछ कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने कॉल भी किया कि सर हमें बताइए कि टेक्ला का वीडियो तो बना रहे पर टेक्ला सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है, तो हम किस तरीके से टेक्ला सॉफ्टवेयर सीखेंगे। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था कि हम टेक्ला सॉफ्टवेयर किस तरीके से सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, और वीडियो बनाने के बाद उसमें हमारे एक सलमान नाम के स्टूडेंट, उन्होंने कॉल करके बोला सर एक वीडियो बना दीजिए इसमें। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक वीडियो बना देता हूँ कि किस तरीके से टेक्ला सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक स्टूडेंट वर्जन है। स्टूडेंट वर्जन क्या होता है, केवल 45 डेज के लिए होता है। 45 डेज के लिए आप यूज कर सकते हो, आप सीख लेते हो, इसके बाद कंपनीज में जॉब पाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से हमको टेक्ला सॉफ्टवेयर को हमको डाउनलोड करना है। ये लिंक आप देख रहे होंगे campus.tekla.com, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करके दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट आप टेक्ला के इस पेज पे आ सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड टेक्ला फॉर लर्निंग, ये सीखने के लिए है। तो अगर इसको सीखना है आपको, तो सीखने के लिए आप इससे प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, इससे सिर्फ और सिर्फ आप लर्निंग कर सकते हो। डिलीट करना इलीगल होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से लॉग इन करना है। आपका अपना अकाउंट होना चाहिए इसपे, और लॉग इन करके जिस तरीके से फेसबुक एंड ऑल सभी आप लोग करते ही होंगे, उन सब पे जैसे लॉग इन करते थे उस तरीके से इसपे भी लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे लॉग इन टू डाउनलोड, अगर आपने लॉग इन कर लिया है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। इस पेज में आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप ईमेल आईडीज अपना, और अब आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड क्या है। अब मैं अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको नहीं बता सकता, या इसलिए आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू ट्रिम्बल आईडी पे आप चले जाइएगा, और आप न्यू करके फिर से आप साइन इन कर लीजिएगा। मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा अकाउंट नहीं बनाऊंगा, एक ही बार अकाउंट बनाया जा सकता है इसके ऊपर। और जैसे ही लॉग इन किया तो देखिए लॉग इन करके हमारे पास आ गया कि आप इसमें पहले से मेंबर है, मेरा नाम आ गया है आकाश पांडे, और यहाँ पे टेक्ला ऑनलाइन। बट ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए है, आप इसको ऐसा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन आप रीड कर लीजिएगा, रीड अबाउट द यूजेस एंड, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ये डाउनलोड हो जाएगा। कौन सा वर्जन? टेक्ला 2019 वर्जन, जिसपे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं भी खुद भी सीखने के लिए यूज करता हूँ, और मेरे पास कंपनीज में अलग से सॉफ्टवेयर्स हैं जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस पे क्लिक कर देंगे डाउनलोडिंग के लिए, और इस पे डाउनलोडिंग पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होगा आपका, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एड एडिशनल एनवायरनमेंट। क्या यूज करना है? एड एडिशनल एनवायरनमेंट मीन्स, देखिए आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। एडिशनल एनवायरनमेंट में जाके आपको यहाँ पे जाना है इंडिया में। कहाँ जाना है? इंडिया, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री में आपका यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे वैली सम्बी का एक सॉफ्टवेयर है, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो इन्वायरमेंट इसका सेट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी इसका इंस्टॉलेशन है। सिर्फ ये फाइल जैसे ही कम्प्लीट हो जाए इसको रन करा दीजिए, उसके बाद ये फाइल जैसे ही कम्प्लीट हो जाए इसको रन, पहले बड़ी वाली फाइल को रन कराना है, फिर छोटी वाली फाइल को रन कराना है। मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर है। और जैसे ही रन हो गया ये दोनों, उसके बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो एक स्टूडेंट वर्जन टेक्ला आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा रेनफोर्समेंट के बारे में। पहले उससे पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बताया, जिससे कि लर्निंग के लिए हम लोग इसको यूज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आज ही आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिससे कि हमारे आगे के जो वीडियोस होंगे टेक्ला, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सीरीज लाने वाला हूँ टेक्ला, आपको पहले से क्लियर कर रहा हूँ, मैं लगभग 40 से 50 वीडियो या अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो उससे भी ज़्यादा वीडियोस लेके आ रहा हूँ। पूरा का पूरा टेक्ला हम लोग कवर करने जा रहे हैं, और हिंदी लैंग्वेज में। आपको अगर इंग्लिश में चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए सर इंग्लिश में चाहिए, तो ऑफकोर्स एक मेरा दूसरा चैनल जिसपे मैं इंग्लिश में डाल दूंगा और आप तक वो पहुँच जाएगा। चलिए ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो में कई चीजें मर्ज हो जाती है तो आपको कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एजुकेशनल वर्जन आपके सामने आ चुका है, और इसके बाद आप डाउनलोड करिए और यहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन कर जैसे आप ओपन करेंगे ना सॉफ्टवेयर को, तो ओपन करते टाइम ही पूछता है आपका अकाउंट मतलब ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पूछता है, जो आपने वहाँ बना रखा है उसको डालिए। उसके बाद वहाँ पे डालना होता है कि आप फुल प्रोजेक्ट करना चाहते हो या क्या बोलते हैं केवल प्रीकास्ट या केवल कंक्रीट,
आप फुल प्रोजेक्ट करिए, फुल प्रोजेक्ट डालने के बाद वहां पे आपको डालना है इंडिया, और इंडिया डाल के ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से टेक्ला सॉफ्टवेयर आ जाएगा। और लास्ट टाइम हमने बताया था किस तरीके से ग्रिड को एडिट करना है, उसके बाद ऐसे कंक्रीट स्ट्रक्चर के बीम्स एंड कॉलम्स को कैसे लगाना है, पैनल कैसे लगाना है। आगे डिस्कस वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा पैनल और स्लैब के बारे में भी, फुटिंग मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रीबार की, अगर कॉलम है तो कॉलम में रीबार कैसे डालना है, बीम है तो बीम में रीबार कैसे डालना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ड्राइंग है, जैसे कि मुझे कुछ बच्चों ने ड्राइंग भेजा है कि सर ये ड्राइंग कैसे टेक्ला के ऊपर बनेगा, डेफिनेटली मैं समय पाते ही उसके उसके वीडियोस पे, मतलब कि जो भी ड्राइंग्स मिली है उस पर मैं ड्राइंग बना के दे दूंगा उनको, और साथ ही साथ उसका ट्यूटोरियल होगा जो आप तक पहुंचेगा और आपको भी फायदा होगा। आपके पास भी अगर ऐसी कोई ड्राइंग है जो आपसे नहीं बन रही है, आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा, या मेरी वेबसाइट्स पे विजिट करिए, वेबसाइट पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है एंड वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझे बताइए कि सर ये ड्राइंग मुझे डाउनलोड करना है, ये ड्राइंग मुझसे नहीं बन रही है, या कोई प्रोजेक्ट है आप नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए भी आप गाइड ले सकते हो मेरे से, उसका मैं कोई भी चार्ज नहीं करता। सो आपकी भी कभी भी जो भी आपको प्रॉब्लम है उस पर आप मेरे से बात कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा कैसे डाउनलोड करना है। और इस तरीके से जुड़े हैं तो एक काम करिए कि और लोगों को जोड़िए तो मुझे थोड़ा सा और परेशान होगा, जिससे जो भी मेरा नॉलेज है आप तक मैं शेयर करूँ उसके लिए मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आपके लाइक्स चाहिए। और अगर आप YouTube पे और सॉरी Facebook पे WhatsApp पे अपने अगर थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं अपने पेजेस पे हमारे वीडियोस को, तो शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि चलिए हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है और हम लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूँ और लोग मुझे सुन रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए ठंडा कार करेंगे।